गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। जब आपने DCECE पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, पैरामेडिकल या फिर पैरामेडिकल डेंटल के लिए रजिस्ट्रेशन किया था, तो उस समय आपने एक हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लिया होगा जो दो पार्ट में था, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हो सकता है कि किसी ने गुम कर दिया हो या फिर किसी ने इसका प्रिंट आउट ना निकाला हो, तो जब आप रिपोर्टिंग के वक्त जाएंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा ना हो कि रिपोर्टिंग के वक्त आपको रोना पड़े, इसलिए आप इसे अभी डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने डिवाइस में कोई भी ब्राउजर ओपन करें। मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आप सर्च बॉक्स या URL में टाइप करेंगे bcecebord.bihar.gov.in और फिर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड का एक अपना ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2018 वाले सेक्शन में सबसे नीचे डाउनलोड हार्ड कॉपी पार्ट ए एंड पार्ट बी DCECE PE 2018 वाला लिंक देख सकते हैं। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक पेज ओपन होता है जिसमें लिखा होगा डाउनलोड योर एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए एंड पार्ट बी बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। अब इस क्लिक हियर वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करेंगे तो अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद अब आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो सबसे पहले आप डे चूज करें। डे चूज करने के बाद मंथ चूज करें, उसके बाद फिर ईयर चूज करें। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर दें। कुछ देर वेट करने के बाद इस तरह का एक PDF फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा जो 6 पेज में है। अब पार्ट ए में ये जो कॉलम दिख रहा है, इस कॉलम में यहाँ पे जो फोटो है, इसी प्रकार का एक फोटो यहाँ पे चिपकाना है। उसके नीचे अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है, फिर उसके बाद उसके नीचे हिंदी में सिग्नेचर करना है। अब आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी में सिग्नेचर करना है, उसके बाद यहाँ पे प्लेस डालना है, फिर डेट डालना है। अब इस पार्ट बी में ये सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है, इसलिए आप इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना करें। अब आपको यहाँ पे सेम इसी प्रकार का एक फ़ोटो चिपकाना है, उसके नीचे अंग्रेजी में सिग्नेचर करना है, उसके नीचे फिर हिंदी में सिग्नेचर करना है। अब इस अभ्यर्थी द्वारा घोषणा को नीचे दिए गए कॉलम में अपने हाथों से लिखना है। इस घोषणा को लिखने के बाद हिंदी में आपको अपना पूरा हस्ताक्षर करना है, उसके बगल में आपको अंग्रेजी में पूरा हस्ताक्षर करना है, उसके बाद यहाँ पर प्लेस डालें, फिर डेट डालें। अब यहाँ पर आपके माता पिता या फिर अभिभावक का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ प्लेस लिखना है, उसके नीचे डेट लिखना है, उसके बाद यहाँ पर माता पिता या फिर अभिभावक का पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए हिंदी में, उसके बगल में आपके माता पिता या अभिभावक का अंग्रेजी में हस्ताक्षर होना चाहिए। अब उसके नीचे आप जो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए। जैसे आप मैट्रिक का एडमिट कार्ड लगा रहे हैं तो आपको लिखना होगा मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। इस तरीके से आप जो जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे उन सारे डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पर लिखना है। अब जब आप रिपोर्टिंग के वक्त जाएंगे तब यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, उससे पहले आप यहाँ पर सिग्नेचर ना करें। उसके नीचे ये सिर्फ ऑफिस वर्क के लिए है। तो इस तरीके से आप यहां देख सकते हैं कि ये दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आपको अब प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसे सेव कर लें।
सेव करने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल कर जरूर रख लें। तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा हार्ड कॉपी को कैसे डाउनलोड करें। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।